हेलो बच्चों, तो आप सभी का स्वागत है गॉड ग्लासेस पर। गॉड ग्लासेस फैमिली में आप सबका स्वागत है। आज ऐसा ही फील हो रहा है कि जैसे एक फैमिली में होता है ना, जब एक मेंबर कुछ कम हो जाते हैं तो बड़ा अजीब अजीब सा फील होता है। तो ऐसा ही कुछ आज मुझे फील हो रहा था। कल से पहले तक मैसेज की भरमार रहती थी चैट बॉक्स में। मैं कई बार रिप्लाई करते करते परेशान हो जाता था और बहुत से बच्चों के रिप्लाई मैं कर भी नहीं पाता था। लेकिन आज थोड़ा सूना सूना सा लग रहा है। आज जाके महसूस हो रहा है कि जो परिवार था ना हमारा, तो उस परिवार में कुछ थोड़ा सा कमी है। ठीक है, अब कमी आप लोगों के बोर्ड के एग्ज़ाम हो गए हैं, आप लोग भी अब अपने एक रेस्ट मोड में होंगे। मैं भी रेस्ट मोड में था। कल से लेकर अब तक मैंने कुछ नहीं करा था, आराम से मतलब वेला टाइम पास कर रहा था और कुछ नहीं करा था, क्योंकि पिछले कई दिनों की जो थकान थी वो अब जाके थोड़ा सा दूर हुई है। फिर महसूस किया कि आप लोगों से एक बार और बात करूं, एक मैसेज आप लोगों को दे सकूं कि पिछले 2 साल से हम लोगों का साथ बना हुआ है। तो वो साथ मतलब एक होता है ना कि जब शुरुआती जब साथ होता है, क्योंकि जब मैंने चैनल स्टार्ट किया तो तभी आप लोगों का अप्लाइड मैथ भी स्टार्ट हुआ। अब चैनल स्टार्ट हुआ, अप्लाइड मैथ भी स्टार्ट हुआ, तो हम दोनों की बिगनिंग लगभग एक जैसी थी। उससे पहले ना मैंने कभी अप्लाइड मैथ पढ़ाया था, ना आप लोगों ने पढ़ा था। तो हम तो सीखते सिखाते एक दूसरे को, कुछ चीज़ें मैंने आपसे सीखी, कुछ आपने मेरे से सीखी। ठीक है, और स्पेशली यूट्यूब से रिलेटेड बहुत सी चीज़ें आप लोगों ने मुझे बताई कि सर ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, कैमरा ऐसे होना चाहिए, लाइटिंग ऐसी होनी चाहिए। बहुत सी चीज़ें मैंने आप लोगों से सीखी जो मुझे कभी पता नहीं थी। ठीक है, और अप्लाइड मैथ से रिलेटेड कई चीज़ें ऐसी थी जो मैंने आपको सिखाई। तो ये सीखने सिखाने का सिलसिला 2 साल तक चलता रहा। और इस 2 साल के अंदर एक होता है ना कि एक आपस में एक बॉन्ड सा बन जाता है, तो वो बॉन्ड सा हम लोगों के बीच बन गया। और आज मैं उस चीज़ को बड़ा फील कर रहा हूँ। ठीक है, आज मैं उस चीज़ को बड़ा मिस कर रहा हूँ, उस बॉन्ड को बड़ा मिस कर रहा हूँ। तो और ये 0 से हमारा जो सफ़र हुआ था, लगभग 20-21 हज़ार तक अब सब्सक्राइबर हमारे चैनल पर हैं, और आई होप आगे ये इसी तरह से और बढ़ते रहेंगे। आप लोगों का जो सपोर्ट और प्यार है वो चैनल के साथ बना रहेगा। ऐसा नहीं है कि भाई अपना 2 साल आपके पूरे हो गए, आपका सिलेबस पूरा हो गया तो आप लोग अनसब्सक्राइब करके चले जाओ, ऐसा मुझे लगता नहीं है। और दूसरी बात यह है कि भाई अभी हमारा जो साथ है वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी हमारा साथ और है। क्योंकि अभी आपको CUT के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है, और वो एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन है, जैसा कि आप लोग के कमेंट भी आ रहे हैं, मैंने पहले भी आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि आपकी CUT की प्रिपरेशन भी मैं इसी चैनल पर करवाऊँगा, और वो प्रिपरेशन भी हम बहुत जल्दी स्टार्ट कर देंगे। लगभग इस नेक्स्ट वीक से, लगभग मंडे ट्यूसडे से लगभग मैं आपकी जो प्रिपरेशन है CUT की वो स्टार्ट कर देता हूँ। तब तक थोड़ा सा और मैं इसको, आप किस तरह से आपकी प्रिपरेशन करनी चाहिए कि, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है, टाइम बहुत कम है, तो उसके लिए थोड़ा सा मैं एनालाइज कर लूँ कि किस तरीके से मैं आपको लेके चलूँ कि आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से हो जाए। मोस्ट ऑफ द स्ट्रेस हम रखेंगे जो टर्म 1 के टॉपिक थे, क्योंकि टर्म 2 के टॉपिक आप लोगों ने अभी भी पढ़े हैं, ताज़े ताज़े हैं, याद होंगे। तो टर्म 1 का जो सिलेबस है उसके ऊपर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। जो भी होगा, जैसा भी होगा, मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा जल्दी ही। और साथ ही साथ एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि चैनल का कंटेंट आप लोगों को पता चल ही चुका है क्या कंटेंट है, कैसा कंटेंट है। तो आप अपने जूनियर्स को जो आपके साथ अभी इस साल 12th में आए हैं या 11th में आएंगे, तो उन लोगों को अगर आपको लगता है कि हाँ भाई चैनल का कंटेंट आपके लिए बेनिफिशियल रहा है, तो आगे उनको भी फॉरवर्ड करें, उनको बताएं कि भाई अप्लाइड मैथमेटिक्स का जो कंटेंट है यहाँ पर आपको इस तरह का कंटेंट मिलता है, ताकि आपकी जो एक्सपीरियंस का फ़ायदा जो है वो आगे आपके जो जूनियर्स हैं वो भी उठा सके। आप लोगों के लिए जो जो कंटेंट मैंने जितना पॉसिबल कंटेंट हो सकता था वो सब मैंने लाने की कोशिश करी, रेगुलर वीडियो से लेकर 1 शॉट तक, 1 शॉट के बाद फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज, सैम्पल पेपर्स, मतलब जितना मैं कर सकता था। क्योंकि आपको पता है कि अभी तक तो मैं अकेला ही एक तरह से काम कर रहा था। अब कोशिश करेंगे इस साल कुछ हम टीम बनाने की, कुछ काम को डिस्ट्रीब्यूट करने की, ताकि कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मैं और भी करना चाहता था लेकिन टाइम की वजह से मैं कर नहीं पाया। ठीक है, तो उन चीज़ों को मैनेज करने के लिए हम कोशिश करेंगे थोड़ा सा टीम और बनाने की, और साथ ही मैं कोशिश करूँगा और सब्जेक्ट्स भी चैनल पर लाने की। और जैसा भी होगा, धीरे धीरे प्रोसेस होगा, तो वो सब चीज़ें आप लोगों के साथ मैं शेयर करता जाऊँगा। और आप लोगों के कोई अगर कमेंट है, कोई आपके सजेशन है, कोई कंप्लेंट है, कोई भी बात है, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में, आप सबका स्वागत है। जो भी आप सजेशन देना चाहें, जो भी आपके मन में बातें हों, वो आप कुछ भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अपने सजेशन से अपने मन के विचार है वो हमें बता सकते हैं, ताकि आपका जो अपना चैनल है, चैनल ही आपका अपना ही है। ठीक है, तो चैनल को आप ग्रो करने में आप कैसे हेल्प कर सकते हैं, क्या आपके इनपुट्स हो सकते हैं, तो उस बारे में आप मुझे ज़रूर बताएं। मैं वेट करूंगा कि आप लोगों के क्या इनपुट्स हैं और क्या क्या चीज़ें हमें ऐसी करनी चाहिए एज ए स्टूडेंट, क्योंकि अब आप स्टूडेंट हैं, मैं स्टूडेंट नहीं हूँ। एज ए स्टूडेंट क्या नीड आपकी होती है, क्या हमें डिलीवर करना चाहिए, क्या कंटेंट में कुछ और चीज़ें हमें ऐड करनी चाहिए, क्या सुधार करना चाहिए। ठीक है, क्या क्या चीज़ें और हो सकती है। एज ए स्टूडेंट आप अपने विचार जरूर शेयर करें, मुझे व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, या वीडियो के कमेंट है उसमें भी आप मुझे बता सकते हैं। जो भी आप सबके सजेशन का हमेशा से स्वागत रहा है और आगे भी स्वागत रहेगा। और उम्मीद करूंगा कि चैनल का साथ जो है वो आप लोगों के साथ बना रहेगा,
हमेशा के लिए बना रहेगा। ये नहीं कि हमारी पढ़ाई ख़त्म तो हमारा जो संबंध है वो भी ख़त्म, क्योंकि एक जो स्टार्टिंग का जो बॉन्ड होता है वो एक बिल्कुल स्पेशल बॉन्ड होता है, एक अलग ही बॉन्ड होता है। तो बॉन्ड हम लोगों के बीच में जो बना हुआ है वो बॉन्ड उम्मीद करता हूँ कि वो बॉन्ड हमेशा के लिए बना रहे। आगे आप अपनी लाइफ में जो भी काम करें बहुत अच्छे से करें, अच्छी अच्छी पोस्ट पर पहुँचें, आप बिजनेस में जा रहे हैं तो अच्छा बिजनेस करें, मतलब जिस भी फील्ड में जा रहे हैं टॉप क्लास काम करें, और ताकि और मुझे अपडेट भी करें, मुझे मैं चाहूँगा कि आप मुझे अपडेट भी करें कि आप लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कहाँ पर आप लोग हैं, ताकि कहीं मेरा आना जाना हो तो मैं आप लोगों से मिल भी सकूँ, ठीक है। और आप लोग अगर डेली आते हैं तो स्वागत है आप सबका, कभी भी आप आएँ और हम कभी ना कभी ज़रूर मिलेंगे। और मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले टाइम में जैसे जैसे कुछ चीज़ें इंक्रीज़ होती हैं तो मैं कोशिश करूँगा कि हम मीटअप भी करें, तो वो देखे जाएगा आगे फ्यूचर में किस तरह की क्या रहेगा कैसा रहेगा। तो बाकी आप सबके सपोर्ट के लिए, आप सबके प्यार के लिए एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you.